फ्रेंड्स, अगर आप विंडोज 10 ऑपरेटिंग सिस्टम यूज कर रहे हो और विंडोज 10 का लास्ट जो अपडेट आया जून 2022, वो अपडेट है KB5014699 करके। इस अपडेट के साथ बहुत सारा पीसी में, लगभग 70% पीसी में बहुत सारा इशू आ रहे हैं वाईफाई हॉटस्पॉट लेके। अगर आप वाईफाई हॉटस्पॉट से आपका पीसी के साथ नेट करते हो ना, तो सडनली आपका पीसी अटक जा रहा है, पूरी तरह से स्टॉप हो जा रहा है, नेट तो नहीं पा रहे, और भी बहुत सारा इशू आ रहा है आपका पीसी में। हो सकता है कि 70% पीसी के साथ ये प्रॉब्लम आ रहा है। मेरा पीसी के साथ भी ये प्रॉब्लम आया, वो मैं आज यहाँ पर डिटेल्स में आपको दिखाने वाला हूँ। क्या कुछ प्रॉब्लम मैं यहाँ पर फेस कर रहा हूँ विंडोज 10 का KB5014699 इस अपडेट को परफॉर्म करने के बाद बहुत सारा इशू आ रहा है मेरा पीसी में वाईफाई लेके, और भी बहुत सारा इशू हो सकता है। विंडोज 10 पीसी बहुत सारा स्लो हो गया इस अपडेट को परफॉर्म करने के बाद। मैं यहाँ पर दिखाता हूँ मेरा पीसी में जाके, मैं डायरेक्ट यहाँ पर दिखाता हूँ, बाहर से मैं यहाँ पर दिखाता हूँ, क्योंकि मैं यहाँ पर ये जो प्रॉब्लम आया था ना, मेरा पीसी पूरी तरह से अटक गया था। मेरा लैपटॉप में मैं यहाँ पर वाईफाई से नेट रन करता हूँ, मगर सडनली पूरी तरह से अटक गया। नेट का कोई इश्यू नहीं था, मगर फिर भी मैं यहाँ पर फोर्सफुली लैपटॉप को मुझे शट डाउन करना पड़ा, उसके बाद प्रॉब्लम सॉल्व हुआ। मैंने सोचा ये प्रॉब्लम हो सकता है मेरा पीसी में कोई दिक्कत है, मगर सेकेंड टाइम फिर भी सेम दिक्कत आया, नेट सडनली स्टॉप हो गया। और थर्ड टाइम जब आया था ना, उसके बाद मेरा पीसी काम ही नहीं कर रहा था। मैं यहाँ पर सारा कुछ दिखाता हूँ क्या कुछ प्रॉब्लम मेरे पास आया था। चलो यहाँ पर मेरा पीसी, मैं यहाँ पर बाहर से रिकॉर्ड कर रहा हूँ, क्योंकि मेरा पूरी तरह से स्टॉप हो गया था मेरा पीसी इस टाइम। देखो यहाँ पर फ्रेंड्स, विंडोज 10 का KB5014699 ए अपडेट आने के बाद देखो यहाँ पर कैसे करके एक प्रॉब्लम आ रहा है, विंडोज पूरी तरह से हैंग कर रहा है। देखो यहाँ पर एंड प्रोसेस मैं करता हूँ, फिर भी यहाँ पर कुछ नहीं एंड हो रहा है, और कुछ मैं टच करता हूँ तो ए आता है, और पूरी तरह से मेरा पीसी हैंग कर रहा है, कुछ भी नहीं काम कर रहा है, कुछ भी नहीं काम कर रहा है। यहाँ पर कुछ टाइम में वाईफाई इसका ऑप्शन जो था वाईफाई, वो ऑप्शन ऑटोमेटिकली डिसेबल हो रहा है, वाईफाई नेट कनेक्शन ऑफ हो रहा है ऑटोमेटिकली, अगर आप वाईफाई से नेट कनेक्ट करते हो तो हॉटस्पॉट कनेक्शन से। देखो यहाँ पर कैसे करके दिखा रहा है, और ये कंप्यूटर काम ही नहीं कर रहा है। मुझे यहाँ पर फोर्सफुली एक स्विच है, फोर्सफुली इस स्विच को प्रेस करने के बाद मुझे पीसी को ऑफ करना होगा। दो तीन बार मैंने ऐसे किया। देखो यहाँ पर पीसी को ऑफ किया, मैं फिर से मुझे यहाँ पर पीसी को ऑन करना होगा, पूरी तरह से इसको ऑफ करना होगा, पूरी तरह से ऑफ करते। देखो यहाँ पर पूरी तरह से ऑफ कर दिया, ये चल रहा है यहाँ पर, ये पावर चल रहा है यहाँ पर। देखो मैं दिखाने का कोशिश करता हूँ, ये बैटरी चल रहा है और ये पीसी पूरी तरह से ऑफ हो गया। चलो अभी इस पीसी को ऑन करता हूँ, अभी ऑन करने के बाद ये ठीक हो जाएगा, मगर कुछ टाइम के बाद ये फिर से वापस उसी प्रॉब्लम में आ जाएगा जिस प्रॉब्लम था। ये पूरी तरह से हैंग कर रहा है, वाईफाई कनेक्शन नहीं हो रहा है अच्छी तरह से। देखिए यहाँ पर मेरा पीटर लैपटॉप में अभी चल रहा है ये। तो नया जो अपडेट आया KB5014699 करके जो अपडेट आया नया, उस अपडेट के बाद मेरा पीसी में बहुत सारे प्रॉब्लम आ रहे हैं। यहाँ पर मैं पासवर्ड दे देता हूँ, मैं यहाँ पर आया था, देखो यहाँ पर मेरा पिक्चर है, मैं यहाँ पर आया था मेरा, देखो यहाँ पर अभी अच्छी करके चल रहा है, और वो वाईफाई से, मैं यहाँ पर वाईफाई से कनेक्शन करके नेट को यूज़ कर रहा हूँ, मगर फिर भी वहाँ पर बहुत सारा दिक्कत आ रहा है मेरे पीसी में। कुछ टाइम के बाद वो नेट पूरी तरह से ऑफ हो जा रहे हैं, और पूरी तरह से ऑफ हो जा रहे हैं, हैंग कर रहे हैं विंडोज 10 पे। ये मैं यहाँ पर स्क्रीन रिकॉर्ड करके अच्छे से आपको दिखाता हूँ। देखो यहाँ पर मैं स्क्रीन रिकॉर्ड कर रहा हूँ, और स्क्रीन रिकॉर्ड करके मैं यहाँ पर इस पीसी का यहाँ पर दिखाता हूँ क्या कुछ। देखो यहाँ पर 21H2 करके विंडोज 10 होम सिंगल लैंग्वेज अभी यहाँ पर इस पीसी में चल रहा है। तो इस पीसी में विंडोज 10 चल रहा है, और दिखाता हूँ यहाँ पर स्टार्ट में और सेटिंग में जाके मैं यहाँ पर दिखाता हूँ अपडेट सेक्शन में जाके क्या कुछ करना होगा। इस अपडेट को आपको पूरी तरह से अनइंस्टॉल करना होगा। यहाँ पर चेकिंग फॉर अपडेट आप चेक कर सकते हो, यहाँ पर एक अपडेट आया ये विंडोज 11 के लिए, विंडोज 11 मत करो भाई, विंडोज 10 पे रहो। मगर क्या कुछ करना होगा आपको इसके लिए, देखो यहाँ पर पहले पुश कर लो अपडेट को, 7 डेज के लिए कोई अपडेट नहीं चाहिए, पुश कर लो यहाँ पर, देखो पुश, और उसके बाद अपडेट एंड व्यू एंड अपडेट यहाँ पर क्लिक कर लो। क्लिक करने के बाद देखो यहाँ पर अनइंस्टॉल अपडेट, यहाँ पर देखो KB5014699 जो अपडेट है ना, इसी अपडेट को आपको अनइंस्टॉल करना पड़ेगा, उसके बाद ये प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। यहाँ पर राइट क्लिक करो, और राइट क्लिक करने के बाद अनइंस्टॉल यहाँ पर क्लिक कर लो, अनइंस्टॉल में क्लिक कर लो, उसके बाद देखो यहाँ पर ये पूरी तरह से अनइंस्टॉल हो जाएगा आपका जो अपडेट लास्ट में हो रहा है ना KB5014699, इस अपडेट को आपको पूरी तरह से अनइंस्टॉल करना होगा। मगर पहले आपको 7 डेज के लिए उसको पूरी तरह से
स्टॉप करना होगा, क्योंकि 7 डेज में कोई अपडेट आपको नहीं मिलेगा, 7 डेज में कोई अपडेट नहीं आएगा। विंडोज 10 के लिए अपडेट देना माइक्रोसॉफ्ट पूरी तरह से स्टॉप करके रखा, तो आप 7 डेज के लिए उसको अपडेट को पूरी तरह से स्टॉप कर दो। उसके बाद जो लास्ट अपडेट को आप परफॉर्म किया KB5014699, इस अपडेट को पूरी तरह से अनइंस्टॉल कर दो। उसके बाद ये प्रॉब्लम पूरी तरह से सॉल्व हो जाएगा। अगर हो सकता है कि आप भी ये प्रॉब्लम में फेस कर रहे हो कि आपका वाईफाई हॉटस्पॉट लेके कुछ दिक्कत आ रही है और बहुत सारे इशू आ सकता है इस अपडेट के बाद, ये सर कुछ इशू आ रहे हैं, मेरा एसर का पीटर लैपटॉप अभी तक कोई प्रॉब्लम मैंने फेस नहीं किया, इसको फोर्सफुल में शट डाउन नहीं किया स्विच प्रेस करने के बाद, मगर मुझे अभी आज करना पड़ा ये सर कुछ इलेक्ट्रिक चला गया। तो अगर इस वीडियो को अच्छा लगता है जरूर लाइक करना, आप दोस्तों जरूर शेयर करना। अगर आपको कोई भी सवाल इस वीडियो लेके तो इस वीडियो के नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर बोल सकता। अगर इस चैनल का न्यूज़ का अभी तक सबसे नहीं किया तो इसी तरह का वीडियो पाने के लिए इस चैनल को जरूर सबसे करना और बेल आइकन को भी प्रेस कर लेना, क्योंकि मैं नया वाला वीडियो का नोटिफिकेशन आपको पास पहुंच जाएगा। तो आज चलते हैं, मिलते हैं बहुत जल्द नया वाला वीडियो में। तो टुडे इज ओके, टेक केयर, गुड बाय, टाटा, थैंक यू।